हेलो फ्रेंड, जागृति किचन में आप लोग का वेलकम है। आप लोग कैसे हैं? चलिए आज मैं मोमो बनाऊंगी। ये मोमो के लिए मैंने कुछ सामान लिया है। ये देखिए, मैंने एक बंदा लिया है, एक शिमला लिया है, एक गाजर लिया है। मैं 5-6 आदमी के लिए बना रही हूँ। ये मैं अदरक ली हूँ। अब इसे मैं कद्दूकस करूँगी। ये देखिए, आप भी कद्दूकस कर लीजिएगा। ऐसे ही कद्दूकस करना है। ये देखिए, ये देखिए, ऐसे ही आपको भी बारीक करना है, ताकि आपको, मैं तो भूंज कर बनाऊंगी फ्राई कर, आप कैसे बनाते हैं वो हमें कमेंट करके बताइए। ये बंदा मैंने कद्दूकस कर लिया है। अब इसे मैं गाजरकस करूंगी, फिर मैं शिमला भी करूंगी और ये भी करूंगी अदरक। ये मैंने कद्दूकस लिया है बंदा, अदरक को भी और ये गाजर को भी, शिमला को। अगर आप प्याज खाते हैं तो आप 2 प्याज भी कर लीजिए, और अगर तीखा खाते हैं 2 मिर्चाई भी कर लीजिए। ना मैं तीखा खाती हूँ और ना ही मैं प्याज खाती हूँ, इसलिए मैंने स्किप कर दिया है। अब मैं आटा गूंद के दिखाऊंगी आपको। ये मैंने 250 ग्राम मैदा लिया है, मैंने 1 गिलास पानी लिया है, पता नहीं कितना लगेगा वो मैं आपको दिखाऊंगी। ये मैंने हल्का आधा नमक डाली हूँ, मतलब आधी चम्मच छोटी चम्मच से। अब इसे मिलाऊंगी। इस आटे को ना ज़्यादा गूंदना नहीं है, मतलब इसे ना टाइट करना है ना ही सॉफ्ट रखना है, इसे मीडियम रखना है। ये देखिए, मैं आपको गूंद के दिखाती हूँ। आप लोग लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप लोग अपना प्यार हमें देते रहिए, ताकि मैं आप लोग के लिए नए नए वीडियो बनाते रहूं। ये देखिए, अभी से पूरा डो लगाऊंगी। ये देखिए, मेरा डो रेडी हो गया है। ये देखिए, ना टाइट है ना मुलायम है। अब इसे मैं 10 मिनट के लिए आराम करने दूंगी। ये देखिए, मैंने 1 गिलास पानी लिया, इतना पानी बचा है, यानी आधा गिलास पानी आपको लेना है। अब इसे मैं ढक के रखूंगी। ढक कर रख दिया है। अब मैं सूप का तैयारी करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मोमो का तैयारी अब मैं कर रही हूँ। पैन गरम हो गया है। अब इसमें 2 चम्मच मैं ये तेल डालूंगी। तेल को गरम होने देते हैं। आप चाहे तो यहाँ बटर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं तेल ही यूज करूंगी। ये मैंने सरसों लाया, इसको मैं ढक के रखूंगी, ताकि ये पड़े ना किसी को। ये देखिए, मस्टर्ड और ये हो गया है। अभी तो मैं ये गाजर डालूंगी पहले। अब ये मैं शिमला मिर्च डालूंगी, इसे मैं थोड़ा हल्का। अब इसमें ये हल्का हल्का फ्राई हो गया। अब इसमें मैं मसाले डालूंगी। ये मैं स्लो करके रखूंगी गैस। ये देखिए, इसमें मैं मसाले को डालूंगी। ये लाल मिर्च पाउडर 1 छोटी चम्मच, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच छोटी धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच जीरा और गोलकी पाउडर। ये सबको मैं अच्छी तरह से मिलाऊंगी। ऐसे मिलाना है। और आप कैसे खाना पसंद करते हैं, ये
कच्चा की ये भून कर, मेरे यहाँ तो भून के लोग खाते हैं, वैसे भी बनाती हूँ मैं, वैसे भी आपको बना के दिखाऊंगी। ये देखिए मैं इसमें अब बंदा भी डालूंगी, इधर 5 मिनट तक मैं और फ्राई करूंगी। ये देखिए हल्का हल्का इसका कच्चापन निकल गया है, ये सोना सोना महकने लगा है। अब मैं ये उतारूंगी और ये थोड़ा ठंडा होने के रख दूंगी। ये देखिए थोड़ा 2 मिनट के लिए और इसे फ्राई कर। ये देखिए मैं गैस को अब ऑफ करूंगी, ये हो गया है। अब इसे मैं 5 मिनट के लिए ठंडा करूंगी, अभी उतार के रखूंगी। अब मैं मोमो को चेक करके दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने एक कढ़ाई में पानी रखा है, इस पानी को उबाल आने दूंगी, इसे मैं ढक के रखूंगी क्योंकि मैं इसी में मोमो बनाने वाली हूँ। अब मैं आटा चेक करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितने अच्छे से आटे हो गए हैं सॉफ्ट। मैं लोई लगा ली हूँ, अब मैं आपको बेल की दिखाती हूँ। जरूरी नहीं कि ये गोल बिलाए आपको। ऐसे ही आपको बेलना है। अब 1 चम्मच मैं इसमें ये मटेरियल डालूंगी। मैं इस तरह से इसको फोल्ड करूंगी, ऐसे मैं इसको फोल्ड करती हूँ। ये मेरा अपना तरीका है, आप लोग कैसे फोल्ड करते हैं हमें सेंड करके दिखाइए। ऐसे मैं सारे मोमो ऐसे ही तैयार करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मेरा पानी में उबाल आ गया है, अब इसे मैं ढक कर भी रखूंगी। मोमो रेडी हो रहा है, 2 को मैंने मोमो रेडी किया है। ये सारा मोमो मेरा रेडी हो गया है, मैंने इस पर घी से थोड़ा पेस्ट कर दिया है, इसमें भी मैं घी लगा दी हूँ। अब इसमें मैं सबको रखूंगी। ये देखिए अब मैं इसे स्टीम करने के लिए अंदर रख दूंगी। ये देखिए मेरा पानी पूरा ओपन हो गया है। ये देखिए पानी में उबाल कितने अच्छे आ गए हैं। अब मैं इसे रख दूंगी सावधानी से। ये देखिए अब इसे ढककर मैं 15 मिनट के लिए पकाऊंगी और बीच में मैं आपको चेक करके दिखाऊंगी। ये देखिए मैं चेक करके देखती हूँ, ये देखिए कितने अच्छे फूल गए हैं। इसे आप अगर आप हर टाइम बना रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आया तो इसे आप चाकू के नाइफ से भी आप देख सकते हैं। अगर इसमें चिपक रहे हैं तो समझिए अभी और होगा। ये देखिए अभी एक ये भी चिपक रहे हैं, इसका मतलब ये भी और होगा। मैं दूसरा भी चेक करके देख लेती हूँ। ये देखिए अभी 5 मिनट और होंगे, 10 मिनट हो गए, 5 मिनट के बाद ये हो जाएंगे। इसे ढक कर मैं रख देती हूँ। ये देखिए मेरा मोमो रेडी हो गया है, अब मैं इसे चेक करके आपको दिखाती हूँ कितना अच्छा कुक हुआ है। ये देखिए ये सब्जी लग गया है, मैं आपको दूसरा बार दिखाती हूँ कितना अच्छा कुक हुआ है। ये देखिए इसी से आपको भी निकालना है। ये मेरा 15 मिनट हो गया है, अब इसे मैं निकालूंगी। ओ ये बहुत गर्म है, कोई बात नहीं मैं इसे चाकू से ही निकालूंगी। ये देखिए मैं 20 मिनट में मोमो रेडी हो गया है। आप चाहे तो इसे भी और कम टाइम में बना सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, 10 मिनट में भी दिखाऊंगी। थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए, कितना सुंदर मोमो हुआ है। अब इसे मैं सूप के साथ
इंजॉय करूंगी। अगर आपको चटनी पसंद है तो मैं चटनी भी आपको वीडियो बनाकर दूंगी। थैंक यू।